है गाइस, वेलकम टू साइको ऑनर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू 30 हिडन अपॉर्चुनिटी चैलेंज। आज हमारा डे 7, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं। ऑल इंडिया से फ्रेशर्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेहतरीन पोजीशन आपकी तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस, यानी कि इबास, ठीक है, की तरफ से वैकेंसी, इबास की तरफ से, IHBAS, गवर्नमेंट ऑफ NCT इन दिल्ली। दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपका वॉक इन इंटरव्यू है कब? 30 मई को, 30 मई को थर्सडे को आपका इंटरव्यू है, जिसमें रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट है और 3 पोस्ट है फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, जो रहेंगी आपकी ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और किस फील्ड में आप रिसर्च करोगे? इन्वेस्टिगेटिंग बुलिंग ऑफ वुमेन बाय वुमेन इन वर्क प्लेस। ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है जो NCR दिल्ली के अंदर होगी। तो ये आपका प्रोजेक्ट 6 महीने चलेगा, 6 महीने के बाद वो फिर से आपको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो वॉक इन इंटरव्यू करना है, इबास की तरफ से नोटिफिकेशन आया है इबास, और कौन फंडिंग है इसकी? ICSSR। 17 मई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है आपका। अब देखो आपका कौन कौन सी पोस्ट है। तो जो रिसर्च एसोसिएट की आपकी एक पोस्ट दी हुई है, सैलरी मिलेगी 47,000, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंसेज, यानी कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, MSW, ठीक है, इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ, रूरल हेल्थ, इन सबसे आपने किसी में एक में मास्टर्स करो आपने, और मास्टर्स इन सोशल साइंसेज, और साथ में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, और साथ में आपके पास नेट करो अपने मास्टर्स के साथ, या फिर आपने MPhil करो या फिर अपने PhD करो, इन तीनों से कोई एक आपने करा हो, प्लस मास्टर्स विद 55% मार्क्स इन सोशल साइंस, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बट आपको SPSS सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको बेसिकली होनी चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, 3 पोजीशन है ओपन कैटेगरी के लिए सारी पोस्ट, तो ये भी वही है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेस, साथ में 55% मार्क्स, बस हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको हिंदी की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, साथ में इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लिखना पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए। 30 से ऊपर मैक्सिमम एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ₹20,000 आपको मिलेंगे मंथली फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। नोट लिखा हुआ है कि जो वुमेन कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि जो स्टडी है वुमेन के ऊपर ही है, तो वुमेन कैंडिडेट को इसमें क्या है, उसमें एडवांटेज मिलेगी। और देखो और क्या चीज़ें और पढ़ लेते हैं हम उसमें, और क्या चीज़ें, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह लेके आपको क्या करना है, आपको वॉक इन इंटरव्यू करना है, साथ में आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म Annexure 1 में दिया हुआ है, अभी दिखा दूंगा, वो भरना है, फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, DOB, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th की मार्कशीट, सब लेके आपको जाना है 30 मई को, ठीक है। अगर बच्चे ज़्यादा होंगे इंटरव्यू में तो आपका थ्योरी टेस्ट भी हो सकता है मल्टीपल स्टेजेस में, और उसके बाद आप बेसिकली होना तो आपका इंटरव्यू है इसमें, कॉन्फ्रेंस हॉल नंबर 2, एकेडमिक ब्लॉक, इबास, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में आपका होगा। जो आपकी जॉब की इंगेजमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, स्टार्टिंग में 6 महीने होगी, बढ़ाकर उसके बाद और 6 महीने कर दी जाएगी, मतलब 1 साल की आपकी स्टार्टिंग जॉब रहेगी, ठीक है। और हो गया, बाकी कुछ नहीं है आपको, कब पहुँचना है, एप्लीकेंट रिपोर्ट करेंगे 9:30 AM टू 11 AM के बीच में 30 मई को, ठीक है। बाकी अपर एज लिमिट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन है ST ST OBC के लिए, वो आपको दिया जाएगा। और हाँ, आपको बैंक की ड्राफ्ट भी लगानी पड़ेगी ₹250 की, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा ₹250 का। अब डिमांड ड्राफ्ट जो SC ST हैं, जो एक्स सर्विस मैन है, जो PWDs हैं, वो लोग डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे, ओनली जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे ₹250 का, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर इबास दिल्ली, एंड मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म में, अटैच करोगे आप इसको, ठीक है। और ये आपको लेके जाना है सब कुछ वॉक इन इंटरव्यू में। वाइल कमिंग फॉर वॉक इन इंटरव्यू कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना साथ में, और फोटो कॉपी विद सेल्फ अटेस्ट, ये है Annexure 1, ये फॉर्म आपको भरना है, नेम भरना है यहाँ पर, फादर ब्लॉक लेटर में फादर नेम, ठीक है, और जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे उसकी यहाँ पर चीज़, डेट कब बनाया, कितने रुपए का बनाया, सब यहाँ पर भरोगे, ठीक है, और साथ में उसकी कॉपी भी यहाँ पर लेके जाओगे आप साथ में। अब अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस 12th ऑनवर्ड्स यहाँ पर मैं करोगे, एक्सपीरियंस है तो भरना, मांगा नहीं है, और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करिए वो अलग से लगा सकते हो, ठीक है, बस हो गया, इतना सा फॉर्म है, सिंपल सा। इसको आपको 30 मई को, 30 मई को जो 30 मई 2024 थर्सडे को जाना है वॉक इन करने, और कहाँ पे जाना है, दिलशाद, ये दिखा यहाँ पे कौन, देखो प्रिंसिपल कौन है इसके, डॉक्टर सुषमा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इबास दिल्ली, इनके अंदर ही प्रोजेक्ट है बेसिकली। और आपको जाना है कहाँ पर, हॉल नंबर 2, एकेडमिक ब्लॉक, इबास, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में आपको पहुँचना है। टाइमिंग क्या है पहुँचने का, 9:30 to 11 AM के बीच में आपको बेसिकली पहुँचना है, 1 साल की स्टार्टिंग जॉब रहेगी, 9:30 से 11 बजे के बीच पहुँच जाओ, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD के लिए कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं है, जनरल OBC और EWS चाहे वो मेल और फीमेल, उनको डिमांडेड बनाना पड़ेगा ₹250 का, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर इबास, ठीक है, दिल्ली।
तो ये अब कंप्लीट डिटेल मैंने दे दी है, इसका पीडीएफ मैं आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी लगा चैनल पर पोस्ट आ रही, चैनल को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और दबा के कमेंट करो कोई क्वेरी है तो जल्द मिलते हैं एक अच्छी अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।